तो मैं आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप से जुड़े सात ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिन्हें देखकर आप बोलेंगे कि यार मजा आया। तो नंबर वन, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी। तो पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप में 8 टीमों के बीच कुल 15 मैचे हुए थे, जिसे 1975 में इंग्लैंड में आयोजित किया था, जो कि 60 ओवर का था, जिसमें वेस्ट इंडीज की टीम की जीत हुई थी। नंबर टू, तो क्या आपको पता है कि विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन सा है? तो इस वीडियो को यही पॉज करके सोचो और कमेंट में उस खिलाड़ी का नाम लिखना ना भूले। तो देखते हैं कि आप में से कितने लोग सही जवाब दे पाते। चीटिंग नहीं करना भाई, चीटिंग नहीं। तो खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर है। उन्होंने 5 विश्व कप में कुल 2278 रन बनाए थे, तो इंडिया के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर थ्री, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिन्होंने ओवर 60 1983 और 50 ओवर 2011 में विश्व विजेता बनी थी। नंबर फोर, तो क्या आपको पता है कि सबसे पहले वर्ल्ड कप में शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो इंग्लैंड के डेनिस इमिस के नाम वर्ल्ड कप में पहला शतक लगाने का रिकॉर्ड है। साल 1975 के वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ उन्होंने 137 रनों की पारी खेली। नंबर फाइव, शायद बहुत से क्रिकेट प्लेयरों का सपना होता होगा कि भाई इंडिया की टीम से एक बार तो क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने हैं, लेकिन इतिहास में तो ऐसे खिलाड़ी हुए जिन्होंने दो अलग अलग देशों की ओर से क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस खेले हैं। केप्लर वेसल्स ने साल 1983 में ऑस्ट्रेलिया की ओर से और 1992 में दक्षिण अफ्रीका की ओर से वर्ल्ड कप के मैच खेले थे। इनके अलावा एंडरसन कमिंग्स ने साल 1992 में वेस्ट इंडीज की ओर से और साल 2007 में कनाडा की ओर से वर्ल्ड कप खेला था। नंबर सेवन, तो क्या आपको पता है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे कम उम्र वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो बांग्लादेश के तल्हा जुबैर सबसे कम उम्र में वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी थे। वे साल 2003 के वर्ल्ड कप में शामिल हुए थे और उस समय उनकी उम्र मात्र 17 साल की। नंबर सेवन, तो क्या आपको पता है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे पहली बार हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो रिकॉर्ड और किसी के पास नहीं बल्कि हमारे भारतीय खिलाड़ी चेतन शर्मा के पास है। उन्होंने 1987 में रिकॉर्ड अपने नाम हासिल किया था। तो अगर आपको इनमें से कौन सा भी फैक्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर करना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।